बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जानवर मंडी पी के और मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी डोली शहीद जिला जंग। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा चैनल पहले दफ़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं इस वक्त मवेशी मंडी डोली शहीद में मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ी प्यारी और खूबसूरत गाय खड़ी हैं, वो आपको दिखाते हैं, भाई से मालूमात भी लेते हैं कितनी डिमांड करते हैं। तो चले भाई से मालूमात लेते हैं कितनी डिमांड करते हैं। गाय बड़ी प्यारी और खूबसूरत हैं, एक एक का रेट पूछते हैं और मालूमात लेते हैं। बाबा यार कितना मांगते पाओ? 3 लाख। सो ये गब्बन है? कितने बारे? दूजे बारे। दूध कितना करे सी? दो करे तकरीबन 25 लीटर। दो टाइम है एक दा? दो टाइम है। ठीक है, चले पहले आपको दिखाते हैं फिर दूसरी गाय की तरफ चलते हैं। दोस्तों बड़ी प्यारी और खूबसूरत गाय है, चलो दूसरी की मालूमात लेते हैं इस गाय का। हाँ बाबा कितने मंगते पे? 5 लाख। सोई हुई है गब्बन है? थले थले दे बच्चा। अच्छा कितने बारे? दूजे बारे। दूध कितना करे सी? 3 लीटर। दो टाइम दा? दो टाइम। सही है, तो अगली दा? ठीक है, मेहरबानी जी। भाई के पास दोनों गाय बड़ी प्यारी और खूबसूरत है, हवाना आप चेक करें, बहुत बड़ा हवाना है इस गाय का। तो ये देखिए, ये भी बड़ी प्यारी और खूबसूरत गाय है, आपके सामने है। ये बछड़ी है इसके साथ, ये देखिए। दोस्तों ये और गाय खड़ी हैं, चलो ये आपको दिखाते हैं और इनके बारे में मालूमात आपको देते हैं कितनी डिमांड करते हैं भाई इन दोनों गाय का। गाय बड़ी प्यारी है, हवाना भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। चलो भाई से मालूमात लेते हैं और आपको बताते हैं कितनी डिमांड करते हैं। तो दोस्तों इस गाय की जो भाई डिमांड कर रहे हैं वो 2,10,000 है, साथ में बछड़ा है, दूसरे बारे की है और दूध कोई 15 लीटर करेगी तकरीबन। और इस गाय का 2,30,000 मांग रहा है और ये गब्बन गाय है दूसरे बारे की। दोस्तों गाय बड़ी प्यारी है, खूबसूरत, थोड़ी कमज़ोर है। तो दोस्तों ये मवेशी मंडी डोली शहीद है जो कि हर हफ्ते वाला दिन लगती है, ये ज़िला जांग का इलाका है। अगर आप कोई गाय वगैरह या कोई भी चीज़ आप लेना चाहें तो मवेशी मंडी डोली शहीद का विज़िट करें, यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी प्यारी और खूबसूरत गाय मिल जाती हैं ये आपके सामने।